Who will have the food? इस घर का पहला खाना आलू पराठा एंड दही. Who will have आलू पराठा? Thanks to my friend Tannu, जिसने पराठा और दही दिया है बना के हनी बनी के लिए हम सबके लिए. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ अर्चना. कैसे हैं आप सब लोग? एंड सुबह मतलब 7 बज चुके हैं. मैं उठ के नहा के रेडी हो गई हूँ. कुछ भी खाना वाना नहीं बनाया है हनी पनी के लिए. गैस कनेक्शन कल ही हुआ, तो पहले जो होता है हमारे यहाँ पे, या आई थिंक सबके घर पे ऐसे होता है कि दूध उबालते हैं पहले, तो वो मैं अभी करूँगी. देन हनी बनी के लिए हम लोग केक वगैरह लेके आ गए, तो वो टिफ़िन में लेके चले जाएंगे एंड उनको सर अलग खिला दूँगी. तो कल का दिन बहुत बहुत हेक्टिक रहा, तो इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ऐसे घर में सामान कार्टन फैले रहते हैं तो फिर मुझे तो नींद ही नहीं आती है. तो मैं कल आई थिंक सुबह 5:30 से रात के 12:30 तक कंटिन्यूसली मैं अरेंज ही कर रही थी. तो ऑलमोस्ट जहाँ पे जो चीज़ें रहनी चाहिए वो मैंने रख दिया है, बट अच्छे से अरेंज करके नहीं रखा है, बस रख दिया है. एटलीस्ट कार्टन्स खाली कर दिए और 2 कार्टन्स बचे हैं बस, तो वो मैं आज कर दूँगी. बट पहले हनी बनी को स्कूल भेज दूँ. एंड ये देखिए बारिश हुई है सुबह सुबह, रोड सारे गीले हैं, बारिश हुई है. तो अभी दुबई का मौसम ऐसा ही रहेगा, सुबह सुबह ठंड लगेगी एंड बारिश वगैरह ये सब होगा. जब मैं पहले दुबई नहीं आई थी तो मुझे लगता था कि दुबई में बारिश नहीं होती है, बट दुबई में बारिश होती है, कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती बट होती रहती है. तो बहुत अच्छा मौसम है. अभी फटाफट पहले दूध उबालती हूँ, देन हनी बनी को उठाऊँगी, उनको तैयार करके फिर करते हैं आज का ब्लॉग फ्रॉम दिस न्यू हाउस. छोड़ के आने के बाद थोड़ी थोड़ी चल रही है सेटिंग. हनी बनी का रूम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ये देखिए ये सब ऐसे ही पड़े हैं बाहर, क्योंकि उनका जो टॉय ऑर्गेनाइजर हम लोग लेके आए थे वो अभी तक असेंबल नहीं हुआ है, तो वो असेंबल होते होते और 5-6 दिन लग जाएगा. तो बस यही, इसीलिए मैंने इनको जो बड़े बड़े जो मतलब वो पेटी में अभी भी कार्टन में अभी भी पैक है उनके टॉयज, बाकी जो सॉफ्ट टॉयज है वो बस मैंने ऐसे निकाल के रख दिया ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ खेल सकें. एंड ये हनी बनी का एक वार्डरोब लिया है जो वीडियो में मैंने दिखाया नहीं था, छोटा सा वार्डरोब है, उन्हीं के बस कपड़े थोड़े बहुत आए हैं, बट इसमें एक और सेल्फ लगाना पड़ेगा. एंड ये वाला वार्डरोब मैंने ऑलमोस्ट अरेंज कर लिया है ये, एंड ये वाला, बट कल हैंगर्स ख़त्म हो गए थे तो और हैंगर्स लेके आई हूँ, तो और कुछ हम कपड़े यहाँ पे टंगेंगे. तो ये ऑलमोस्ट सेट है, बेडरूम ऑलमोस्ट सेट है,
बेडशीट वगैरह कुछ नहीं डाला है, वो अभी मैं डालूंगी। लॉन्ड्री में कपड़े भरे हैं और वॉशिंग मशीन अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। लॉन्ड्री पूरा ओवरफ्लो कर रहा है लॉन्ड्री बैग। तो बेडरूम अभी मैं करूंगी, बेड डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ड्रेसर वगैरह कुछ भी चेस्ट ऑफ ड्रॉअर में मैंने बस सॉरी ड्रेसर में मैंने बस सामान सारा पैक मतलब रख दिया है, बट उसको अरेंज अभी तक नहीं किया है। वो दो तीन दिन के बाद ही आराम से करूंगी। तो दिस इज द ड्रेसर एंड लिविंग रूम भी ऑलमोस्ट सेट है। मंदिर हमने बस कल भगवान जी निकाल के पूजा कर लिए थे, बट मंदिर का जो सामान है वो अभी तक और एक कार्टन में पड़ा है। ये कुछ दिख रहा है ऐसा, पूरा अच्छे से सजने के बाद मैं दिखाऊंगी। कार्टन अभी मंदिर का कार्टन वहाँ पे अभी भी पड़ा है, मंदिर अभी तक सेट नहीं है। ये है हनी बनी का वो जो टॉय ऑर्गेनाइजर, वो अभी तक पड़ा है असेंबल। किचन मैंने सामान तो सारा लगा दिया है, बट अभी भी एक दो कार्टन्स पड़े हैं। एंड सारा जो ऊपर का सेल है, जो वो है स्लैब है, वो सब अभी तक मैस है, तो वो सब मैं अभी करूँगी। स्टोर रूम मैं अभी मैं थोड़ा पोछा वगैरह लगा रही थी, कपड़े धोने हैं, बहुत काम है बहुत काम है। ये वाली हमने घड़ी ली है, ये मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये है। एंड दिस इज दैट जो झूला जो हम लेके आए। तो बस यही है, फटाफट काम करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। उन्हें हनी बनने के लिए खाना भी बनाना है, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। Honey, what are you doing there? Come inside. Come inside. Mama. Hi, baby. खिचड़ी बना दिया है, बट जहाँ पे मेरा सारा नमकीन आइटम्स रहता है, चिप्स वगैरह ये सब, वो मैं लॉक करके रखती हूँ। पता नहीं उसका लॉक कहीं खो गया है सिस्टम में और इन दोनों ने आके चिप्स पकड़ लिया है। तो बस यही है, ऑलमोस्ट मैंने सारे कार्टन्स खाली कर दिए, बस उसको थोड़ा सेट करके अच्छे से रखना बाकी है। ओहो रे बापरे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि घर मतलब ऐसे कार्टन्स मतलब पूरा घर भरा हुआ था कार्टन से। तो इसलिए जो भी तकलीफ़ हो एक दो दिन पूरा वो करके ही ख़त्म कर लो तो ही ठीक है। और नया घर है तो सब कुछ मतलब बहुत चार पांच बार अगर तुम चार पांच दिन लगातार अच्छे से पोछा नहीं लगाओगे, फिर भी वो ड्रिल व्हील सब हुआ है तो फाइन धूल जो डस्ट जो है वो पूरा घर में है। तो सुबह उठते के साथ ही थोड़ा अलग लगा, चार साल से हम लोग सुबह, क्योंकि सुबह आप जब नींद में आप सोते हो तो आपको ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, फिर जब आप सुबह उठते हो कि हाँ लगता है चलो घर में है। तो यहाँ पे जैसे सुबह जैसे कहीं होटल वगैरह जाते हैं तो सुबह उठने के बाद लगता है अरे हम लोग कहाँ पे, अचानक से बस एक आधी सेकंड के लिए ऐसा लगता है ना। तो आज सुबह भी ऐसा लगा अरे ये कब, फिर याद आया अरे नया घर है।
कर्टन्स अभी तक लगे नहीं है, कर्टन्स के जो लगने वाले जो क्लिप्स है ये वो पता नहीं मिल नहीं रहे, तो क्लिप्स नया लेना पड़ेगा वरना नहीं लग सकते कर्टन्स। एंड कुछ लोगों को बहुत मतलब हमें वो किया था कंसर्न, दिखाया था कि बैल्कनी में बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ मत करना अकेले, तो वो तो मैं करूँगी नहीं, मैं हमेशा रहूँगी जब भी, बट ये भी बोल दूँ कि बैल्कनी जो है वो ऊपर 5 फीट हाइट का है और ये दोनों तो छोटे हैं, एंड ऊपर ऐसे हम लोग कुछ भी नहीं रख रहे हैं बैल्कनी में जिससे कि वो क्लाइम कर सके उसके ऊपर, तो सेफ है काफ़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँचा है और पूरा ग्लास लगा है। तो बस यही है, मैं उनको खिला देती हूँ, फिर शाम को जीत आने के बाद कुछ और काम है घर का तो वही सब करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बारिश स्टार्ट हो गई है, इस साल का मैं पहली बार देख रही हूँ बारिश, वैसे जब हुआ है रात में हुआ है, आज सुबह भी जो हुआ था मैंने देखा नहीं था, बस मुझे पता चला कि मतलब रोड देख के पता चला कि बारिश हुई है, बट अभी हो रही है बारिश, तेज नहीं हो रही है बट स्टार्ट हो गई है, शायद तेज होगी क्योंकि बहुत अंधेरा हो रखा है। ये वाला जो मौसम है ना दुबई में, गर्मी तो बहुत होती है जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीना बहुत, फिर अक्टूबर से थोड़ा कम होता है गर्मी, एंड देन से नवंबर स्टार्ट होता है, ऐसा मौसम होता है ना नवंबर से लेके पूरा अप्रैल एंड मई तक, इतना अच्छा मौसम, पूरा ठंडी ठंडी हवा चलती है, एंड आपको लगेगा ही नहीं कि ये रेगिस्तान है, चारों तरफ इतने ज़्यादा फ्लावर्स वो लगाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा फ्लावर्स आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दिखाऊंगी रोड के मतलब पूरे दोनों साइड रोड के फ्लावर्स लगे होंगे, एक हफ्ता एक कलर रहता है, फिर नेक्स्ट हफ्ता वो कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा प्लांट वो लगा देगा, रातों रात ही प्लांट्स चेंज कर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए कितना अच्छा मौसम है, हवा भी चल रही है, चल देखो इट्स रेनिंग, देखो इट्स रेनिंग, कम आउट, इट्स रेनिंग, या थंडर थंडर, या इट्स रेनिंग, सी रेनिंग, सी रेन रेन, गो अवे, कम ऑन, वांट टू प्ले रेन रेन, गो अवे, नो बेबी, बहुत मुश्किल से रेन आता है, नो गो अवे। You like a new house? You like a new
Okay, let's go and sleep. No. Let's go and sleep. It's sleeping time now. It's raining. You like rain? चलो विल स्लीप नाउ ओके सो गाइस बारिश हो रही है बाहर इस वाले मौसम में तो पकोड़े पक्का खाने चाहिए बट अकेले खाने का मन नहीं करता ना ये सब पकोड़े वगैरह अकेले खाने का मन नहीं करता है तो मैंने फटाफट कॉफ़ी बनाई और वैसे भी दो दिन से वो नहाने का टाइम टेबल अलग खाने का अलग सब ये सब होके थोड़ा सा मुझे छींक भी हो रहा है तो कॉफ़ी बनाइए एंड झूला आने के बाद मैं पहली बार इसमें बैठी हूँ झूले में बैठी हूँ अब तीन दिन से मैंने बिग बॉस नहीं देखा है तो अभी बिग बॉस देखूँगी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था दो तीन दिन से बट हाँ हुआ कि हो गया क्योंकि इतने ज़्यादा कार्टन्स थे ना तुम नहीं करते तुम फिर जगह ही नहीं थी एटलीस्ट अभी ये सिचुएशन है कि तुम खाना बना सकते हो सब मतलब 95% तो डन ही है मेरे तरफ से सब डन है बस थोड़ा सा बेडरूम में मुझे ड्रेसर जो है वो अरेंज करना है अच्छे से बट वो धनी बनी अभी सो रहे हैं तो मैं कल ही करूँगी उसको धनी बनी सो रहे हैं एंड उस रूम में अभी जैसे इंटरनेट का जहाँ अच्छे से कनेक्शन भी हॉल में है जो उसका राउटर तो उस रूम तक अरेंज नहीं पहुँच रहा है तो उस रूम में और एक लगाना है तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से अभी बिग बॉस के एपिसोड्स देखूंगी और अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूंगी तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद ठंड भी काफ़ी है मतलब एसी वगैरह सब बंद है बट फिर भी ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी बारिश की वजह से सुबह से बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है और मस्त मौसम है मस्त ये इस टाइम पे ना दुबई में मतलब मुझे तो बिल्कुल दुबई छोड़ के जाने का मन नहीं करता है जैसे ही गर्मी आती है फिर मुझे मन करता है अरे यार कौन रहेगा यहाँ पे तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद ईटिंग काहेकि तुम्हें से लॉक नहीं बोले तुम सब जिन बाहर कर खाइब बिस्किट चिप्स एगुरा सब खाइब खाना कि खाइब Dugu? Huh? Dugu, it was raining today? Hmm? Raining there, balcony there? Okay. Honey? What you doing? I'm sitting. You're sitting? No, shining. Oh, who made that star? Can you show you a star? Where is your star? There. Here? Oh, who made? Jami? Jami. No, they give you. Okay. Show me your star. Wow. Who made star? चलो खाना खाए ओके कौन खाए मामा बेबी नो भाती चिकन खाए खाली दिन सारा भाती चिकन आउ कुछ नहीं नो भाती चिकन खाना खाए हाँ ना खाना नो भाती चिकन दुगु डोंट टच दैट मामा ताकु सजाड़ी दे जरा उलझी जाए जरा को Thank you.
गीत आने के बाद खाना वाना खा के थोड़ा बहुत कुछ काम था, छोटे मोटे काम थे वो सब किया। अभी हनी बनी को खिला दिया, अभी सोने जा रहे। बनो महाराज, बनो महाराज कम। Do say good night. Good night. Bye bye. Sweet dreams. Bye-bye. Sweet dreams. Tomorrow you have school, na? Tomorrow school. Tomorrow school. You like your school? Like. And you like a new house? You like a new house? So guys, with this I'll end today's vlog. See you on my next vlog. Till then, bye bye. Take care. Lots of love. जीत को तो ज्यादा जल्दी है सोने, लाइट ऑफ कर दिया। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।